अस्सलाम वालेकुम यहाँ पे हज का इंतजाम हाजियों के लिए और जो विजिटर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने का सारी सहूलियत खिदमत बहुत अच्छे से कर रहे हैं हमारे चाचा चाची जा रहे हैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं है सब हाजियों का भी अंदर भी इंतजाम बहुत अच्छा किया गया है हम बीजापुर से आए हैं से, हाँ देखने के बाद आपको क्या लग रहा है हाँ हमें भी जाने की ख्वाहिश हो रही है इंशाल्लाह अगले साल जाने की ख्वाहिश है अल्लाह बुलाए बहन भी और मेरे भाई की बेटी और उनके दामाद जा दावत हैं माशा अल्लाह उनको बहुत खुश रखेंगे उनके पूरे तमाम अरकान पूरे होंदे दर को हमें सभी दुआ करेंगे और इन मैं भी लास्ट टाइम हज की अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और तो जो भी तमाम मुसलमान हैं उन तमाम को भी हज और उम्र की सदत अता फरमान दे आमीन स्वामी और हमारे तमाम मुसलमानों को जो भी मुश्किल आन पड़ी है उसको अल्लाह है ना रफा दफ़ा करें दे और जो भी जालिम हुकूमत है फ़िलहाल को सेंट्रल में जो है उनको है ना अल्लाह है ना अच्छी से हुकूमत दें दे हमारे फेवर में इन श्ला आँधे वही से हुकूमत दें दे और हमारे मुसलमानों को बहुत ऊंचा मकाम ऊंचा दर्जा दें दे कामयाबी दें दे सेहत और तो तंदुरुस्ती के साथ सबको भी मेल मिलाप के साथ हमें है ना फ़ाइट करने की हमें दे मैं एक प्रोफेसर हूँ महारानी कॉलेज में मुझे बहुत तेह है अल्लाह है ना हमारी दुआ में लास्ट टाइम बहुत दुआ करी हूँ अल्लाह जरूर हमारी दुआ खुबल करें अल्लाह सबको भी, सब भी खैर आफियत के साथ हजर उम्र शुक्र शुक्रिया आपका जल्दी बोलो बच्चे के माँ बाप तोबा और निज़ाम करके को जा रही सुनो माशा यंग बच्चे अभी छोटे छोटे छाई माशा हाँ उनके नानी और उनके मासी मासी दी जा रही है और हज कमेटी के मेंबर्स हर दिन हम यहाँ पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हज़रत रहमा फ़रमाते हैं मिन्नत बनह की खिदमत सुल्तान हमी कुनी मिन्नत शनास अज़ की खिदमत बिदाशत ए वज़ीर तो बादशाह पर एहसान मत जतला कि बादशाह की खिदमत कर रहा हूँ बल्कि बादशाह का एहसान मान कि उसने खिदमत के लिए क़बूल कर लिया है मैं जो है हमेशा यही बोलता भी हूँ करता भी हूँ कि मैं सबों से यही गुजारिश करता हूँ कि हम जो खिदमत कर रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से है अल्लाह ताला हमें खिदमत का मौ़ा दिया खिदमत से खुदा मिलता है खिदमत से खुदा मिलता है और हम कर रहे हैं अल्लाह के लिए अल्लाह इसे कबूल फरमा कर हमारी नस्ल जो क़्यामत तक अल्लाह चलाएगा सबको ईमान पर बाकी रखे और सबको जो है इसी तरह दीन की खिदमत करने तो की तोहफी फरमायासी फरमाया तफसी बसमिल्लामिल्ला आफियत के साथ बड़े सुकून के साथ पूरे कराम रवाना हुए आज के दिन हमारे मेम्बर्स हमारे मुजाहिद भी हमारे मौलाना जैनद्दीन साहब सुबह में फजर के बाद से पहली बस निकाली गई जिसके अंदर हमारे एक बीजापुर के मौलाना अबूब अकर साहब शिरकत फरमाए थे और एक मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट जनाब शहाब शाहब तंगल साहब जो बहुत रसूख रखते हैं केरला के अंदर और उनके पंद्रह एम हैं तो वो भी आके बहुत खुश हो के बहुत तारीफ करके बल्कि ये बताए कि हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटक और बेंगलोर का हज कमेटी जैसी कई हिंदुस्तान में मैं भी पूरे बहुत जगह हज कमेटीज़ विज़िट किया हूँ हिंदुस्तान के अंदर लेकिन बेंगलुर के होती ऑर्गेनाइज्ड और वॉल्टियर्स जो ख़दमत कर रहे हैं पूरे वॉल्टियर्यर्स को तारीफ़ करते हुए वो बताए के सब में बेस्ट हज कमेटी है तादाद आ रही है यहाँ पर हम तो ज्यादा ही होती जा रही है इस लिहाज से इंतजाम में भी तोसी होनी चाहिए और मस्जिद तो होनी चाहिए देखिए हर साल जैसे तेदाद हजाज कराम की बढ़ते ही जा रही है गुलिस्तान मर्तबा सात हजार थी इस मर्तबा दस हजार चिलर हजाज जा रहे तो अल्लाह का बड़ा फजल करम हुआ कि हाँ। जैसा ही तदाद बढ़ रही है। ठीक उसी तरीके से इंतज़ाम भी बढ़ रहे हैं और हमारे हमारे जो इंतज़ामिया हैं जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफ़िसर हैं सरफराज़ साहब और पूरे हमारे हज के मम्बरान पूरे अलहमदिल्ला जोशो से जैसा मौलाना ने, ने बताया अल्लाह का काम है ये क़ैमत तक चलने वाला काम है इसके अंदर अल्लाह जो कोई अखलास और लिलात के साथ काम करेगा अल्ला उस काम को भी करेगा ये नहीं कि हमको अल्लाह में इस काम में के लिए कबूल किया वही हम अला सबान ताल के पास शुक्रिया अदा करें देखिए लंगर का मसला ऐसा है ज़मीर साहब का दिल के ऊपर और अल्लाह की मदद के ऊपर ये लंगर का काम चलता है और कितने आ जाए तो भी अल्लाह सुबहान तू उनको ख़ाली पेट नहीं भेजेंगे इन हम जमीर साहब को वादा करके हैं कि कोई भी इन खाली पेट नहीं जाएगा यहाँ से जो कोई भी आएगा वो खाना खा के ही जाएगा चाहे वो हमारे और ज़्यादा मेहनत क्यों ना जा हो जाए और ज़्यादा राशन क्यों ना हो जाए इसके बावजूद भी हम लोग इन कोई ये देख रहे हैं कि कोई भी खाए बगैर न जाए इंतज़ाम बढ़ोती ही हो रही है ला ये क़्यामत तक चलने वाला जो सिलसिला है इसके अंदर बढ़ोतरी होती ही जाए तो इससे हज़रत अब बोल रहे थे कि अल्लाह जिसको चाहता है जिसकी ख़िदमत लेना चाहता है अल्लाह उसी को चुनता है अब बहुत खुश नसीब हैं कि भाई हम हज कमेटी के मेंबर सेलेक्ट होकर हैं और अल्लाह का करम है कि हज़रत जैसे बुजुर्गों के साथ मिलकर काम करने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है और टीपू भाई हो मैं हूँ हजरत हो, हो और वासिल भाई और परसों खादरी साहब भी आए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी बहुत ही खुशी के साथ काम कर रहा है कि भी कोई हाजी इधर से बाल बराबर भी तकलीफ से ना जाए इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और उसके साथ साथ हमारे सी ओ साहब जो सरफराज खान साहब हैं उन्होंने जिस तरीके से गाइडलाइंस दे रहे हैं वो जहाँ कहीं भी हो लेकिन उनका दिल इधर ही है, है थोड़ी बहुत कुछ भी बाल बराबर भी कुछ कमी हो गई तो डायरेक्ट उनको कॉल जाता है तो उन्होंने जिसको चाहे जो चीज जिस जिसको सोम करें उनको कॉल के जरिए से उनको लेकर उनको जिम्मेदारी दे देते हैं अलहमद वो आने तक इधर वो काम होकर रहता है इसकी वजह से भी हाजिया बहुत खुश होकर जा रहे हैं और अलहमद पूरे हाजिया जितने बाकी हैं और उनके लिए अब तक जो मेहनत हुई है और जब अब तक जो खिदमत हुई उससे दुग्नी दुगनी खिदमत कर, कर और खुशी के साथ हाजियों को रवाना करेंगे ये हमें उम्मीद है इनशाला बरकत यहाँ का माहौल छोड़ने वरम्त वरक मेरा नाम नूर अहमद छटर के हम बीजापुर से आए हैं तो माशाला हज कमेटी से जोरा जा से जाते हैं यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम किया गया है, है। कोई तकलीफ नहीं जो भी हाजियों को छोड़ने आते हैं उनके लिए भी यहाँ रहने का और म का खाने का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किए हैं जमीर अमद साहब और रहीम खान साहब का मैं हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की जानब से कर्नाटक की जानब से मैं उनके दिल के अमीर के राम से उनका शुक्रिया अदा करता माशा बेहतरीन इंतजाम है यहाँ के हालात बहुत बेहतर है बनस्बत करते हुए बसों का और आज़मी ने हज का एक से एक इंतज़ाम किए करते करते कर रहे हैं जो ये कमेटी जो हज कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए हमें जो मैं भी एक वो बोर्ड का मेम्बर हूँ डॉक्टर हबीबल्ला बोल के डॉक्टर हबीबल्ला यहाँ के हालात और यहाँ के इंतज़ाम देख कर बहुत खुशी हुई इंतज़ाम बहुत बेहतरीन है माशा हमारे भाई जिनका नाम हफीज़ भाई जा रहे हैं और उनकी बीवी भी साथ में आई और हमारा भांजा आ, उनका नाम तौसिफ़ तो बोल के वो भांजा भी जा रहा है और मेरी भतीजी भी जा रही है सबके लिए आप सबके लिए उनसे भी द, उनसे बात किए और उनके उनके दुआ के लिए दरख्वास्त किए हैं इन श्ल्ला उनका हज आसान और हज मत फ़रमाएँ असल वरम्ह वर्क बिल्ल हजरत हज और उम्र सिर्फ़ल्ला ते पूरा करें अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाया है आज यहाँ का इंतजाम वग़ैरह देख कर हमें बहुत खुशी हुई कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ़ से ज़मीर साहब की तरफ़ से और सभी हज़रा की तरफ से बहुत अच्छा हाजियों के लिए इंतज़ाम किया गया है खाने का प्रेयर रूम्स वगैरह पानी का इंतज़ाम बैतुलखला का इंतजाम यहाँ पर बहुत अच्छे बस का सर्विस का भी इंतज़ाम किया गया है ये देख के हमें बहुत खुशी और मसरत हो रही है सभी हाजियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारे गवर्नमेंट के हजरात जो भी हजरात या इंतज़ामियात में मुबला होकर हमें इस तरीक़े की सहूलियत फ़राम किया है हम उनका तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सभी हाजियों को हमारी तरफ़ से बहुत बहुत हज मुबारक और इसी तरीके से यहाँ पर सभी हजरात जो आए हैं उन्हें भी इन अपनी ज़िंदगी में हज करने का मौका फरमाए आमिर मैं डॉक्टर तनवीर अहमद प्रोफेसर हूँ बिम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिम्स बेलगावी में